हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस टैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द सैम। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट टर्म सैम। ओके, सो इन अर्लियर लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, एंड इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द सैम विच इज अ वेरी एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, सो in this electron microscope SAM, it has basically high resolution power and high magnification power. Okay, so यहाँ पर इसकी जो resolution power और magnification power होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है comparison to the other microscope. Okay, so यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही प्रश्न आता है, who discovered this microscope? Okay, तो यहाँ electron microscope was discovered by मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रुस्का। ओके, बट हियर द सैम, द थ्री साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो द मैक मुलन वॉज द वन ऑफ द साइंटिस्ट हु इनिशियली स्टार्टेड द वर्क, एंड देन मैक्स नॉल हु ऑल्सो डिड सम वर्क विद द सैम एज वेल एज मैनफ्रेड वॉन आर्डिनी। This is the scientist who done most of the work. So these three M basically are involved in the discovery of scanning electron microscope. Okay, so what is the basic uses of scanning electron microscope? यहाँ पर electron microscope का use क्या है? तो generally it is used for to analyze the surface of any of the metal, any of the object. Okay, whether it is a living tissue or non-living tissue. Okay, so In living tissue, generally what happen in electron microscope, we are not able to see the living tissue, because whenever we use the specimen, it is much needed to dehydrate the specimen. Okay, यहाँ पर dehydrate करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम non-living living जो tissue होता है, biological sample होता है, उसको हम dead करके ही उसका जो है specimen को हम यहाँ पर visualize करते हैं. Okay, सो यहाँ पर देखिए, मैग्निफिकेशन पावर, रिजोल्यूशन पावर जो है काफ़ी हाई होती है, एंड वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, एंड दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है। ओके, क्लियर? सो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इस सैम की जो है वो स्ट्रक्चर क्या होती है। सो बेसिकली यहाँ पर दो इसमें चैम्बर होते हैं। फर्स्ट इसका हमारा जो चैम्बर है, इसमें फर्स्ट चैम्बर इज दैट इज कॉलम, फर्स्ट चैम्बर हो गया, एंड देन सेकेंड चैम्बर इज बेसिकली अ स्पेसीमैन चैम्बर। ओके, सो यहाँ पर जनरली क्या होता है, स्पेसीमैन चैम्बर में हाई वैक्यूम रहता है। ओके, इस चैम्बर के अंदर क्या रहता है, हाई वैक्यूम रहता है। क्लियर? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं, सैम यूज़ कर रहे हैं, तो जनरली क्या यूज़ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको टैम में बताया था। तो अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर का मॉडल आप लोगों को शो कर रहा हूँ, वो आप देखिए। सो जस्ट लुक इट हियर, दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ सैम। ओके, सो अपर मोस्ट एरिया इज एनोड और कैथोड। ओके, एंड दिस इज द एरिया वेयर वी हैव अ इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन गन होती है। ओके, सो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन वी आर यूजिंग टू इंड्यूस द इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट किए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन आर नॉन एज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ओके, देन वी हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस। ओके, सो देखिए किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से किस तरह से जनरेट करेंगे यहाँ पर। नाउ जस्ट लुक इट हियर, दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन गन, एंड दिस इज आई एम यूजिंग लाइक बबल, सो दीज कंसीडर दीज बबल एज अ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो जस्ट लुक इट दिस, दीज आर द बबल्स। ओके, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड, एंड दे आर रीचिंग टूवर्ड्स द स्पेसीमैन। ओके, नाउ जस्ट लुक इट अनादर पिक्चर, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, दो हम जो इलेक्ट्रॉन गन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कैथोड और एनोड यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, सो कैथोड और एनोड में कौन कौन सा हो गया, थर्मियोनिक
कैथोड होता है, थर्मियोनिक कैथोड के अलावा जर्कोनियम ऑक्साइड और लैंथम हेक्साबोरॉइड का भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो इनको याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है कि किस तरह से जो है कैथोड किस से बना हुआ होता है, सैम का। देन एनोड हो गया, एंड एनोड के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम को मूव करवाता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसको सही डायरेक्शन में मूव करवाता है। एंड देन द फर्दर वी हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, दिस थिंग इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी बीम होगी उसको डिफ्लेक्ट किया जाएगा। सपोज करिए ये बीम आ रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर इस बीम को क्या कर सकते हैं, फर्दर मूव डिफ्लेक्ट किया जाएगा। ओके, देन फर्दर व्हाट वी हैव इन दिस स्ट्रक्चर, दीज आर रास्टर स्कैन जनरेटर, दीज आर रास्टर स्कैन जनरेटर। ओके, देन इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव अ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, दिस इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड दिस इज एक्सरे डिटेक्टर। इन सब का क्या यूज है अभी मैं आपको शो करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा स्पेसीमैन है, ऑरेंज कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा। एंड ये जो हमारा है स्पेसीमैन चैम्बर है, इसमें हाई वैक्यूम रहता है, इसमें क्या रहता है, हाई वैक्यूम रहता है। ओके, क्लियर। सो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है यहाँ से, ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन बीम इस तरह से आती है। ओके, एंड दिस इज रीचिंग ऑन दिस एरिया, ये स्पेसीमैन पर पहुंच गई। ओके, अब स्पेसीमैन पर पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या होगा, स्पेसीमैन पर पहुंचने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमीट होंगे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से इमीट होंगे वो आप देखिए, इसका एक कंसेप्ट आप समझिए, यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है, फिर वापस हम इस पर मूव करेंगे किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए जनरली क्या होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जनरली कोई भी अगर हम मेटल का अगर हम यूज़ करते हैं तो, या कोई भी एटम हो उसमें हमारे पास में जो शेल्स हैं, तो यहाँ अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है, मैंने बोला था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आते हैं, तो यहाँ पर सपोज करिए ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। ओके, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने आकर जब इस जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पर आकर अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करता है, देन दे व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, या पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को जो शेल में है उसको अपनी एनर्जी अगर ट्रांसफ़र कर देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा। ओके, क्लियर। सो दिस इलेक्ट्रॉन मूव ही है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो जो भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी है वो इसने इसको ट्रांसफ़र कर दी, तो यहाँ पर इसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देन अदर पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, यहाँ पर आप देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपके पास आए और इस तरह से यहाँ से आकर और वापस इस डायरेक्शन में निकल जाए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया और वो जो सेंटर पॉइंट है हमारा, न्यूक्लियस जो है जहाँ पर, वहाँ से मूव करके वापस चला गया। ओके, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया और वापस, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड देन अनदर थिंग व्हाट हैपन, सपोज करिए ये ही हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पर। ओके, एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पर गया और इस इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया अपनी पोजीशन से। सो दिस इज़ अवर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एनर्जी इमीट होगी। ओके, यहाँ से अपनी वेव्स जो हैं वो इमीट करेगा, ये स्पेसिफिक मेटल होगा, तो अब ये स्पेसिफिक मेटल अपनी एनर्जी इमीट करेगा। ओके, सो इसी तरह से अगर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इस तरह से अलग अलग जगह से अपनी अपनी वेव जो है इमीट करेंगे, और इसको फर्दर किससे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, एक्सरे से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, सो एक्सरे डिटेक्टर जो है यहाँ पर लगे हुए होते हैं। ओके, एक्सरे डिटेक्टर यहाँ पर लगे हुए होते हैं, यहाँ मैंने आपको बनाया नहीं है, बट दिस इज व्हाट एक्सरे डिटेक्टर। ओके, एक्सरे डिटेक्टर, क्लियर एवरीवन।
सो यहां अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में आ रहा है, वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब इमिट हो रहा है तो उसी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को क्या करा जाता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है. ओके तो यहां से जो भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं वो इस तरह से, उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. ओके वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. क्लियर? इस तरह से इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है और ये इलेक्ट्रॉन की बीम से क्या होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. ओके सो अब क्या हो सकता है, यहां पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में क्या स्पेसिफिसिटी होती है, क्योंकि इनिशियली ये किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, बट व्हाट हैपन नेक्स्ट, यहां पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो सैम के अंदर होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके सो अब क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे. क्लियर? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ऐसी डिटेक्टर इज फर्दर कनेक्टेड सीपीयू. ओके दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सीपीयू. क्लियर एवरीवन? तो यहां पर आप देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं. सपोज करिए दीज आर द इलेक्ट्रॉन, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव करेंगे, ओके दीज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव करेंगे, यहां से जब मूव करेंगे तो ये किस तरह से यहां से डिफ्लेक्ट होकर ऐसे डिटेक्टर पर जाएंगे. सो यहां पर आप देखिए क्या होगा, बेसिकली ये देखिए ये मैग्नेट है, तो एक तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज हो गए. तो अब ये सपोज करिए ये जो मैग्नेट है ये ऐसी डिटेक्टर है. ओके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है. ओके तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपर साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से मूव कर जाएंगे. तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ने सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई कर लिया. ओके आइडेंटिफाई करने के बाद में अब ये मैसेज, क्योंकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इज कनेक्टेड विद द सीपीयू एंड देन सीपीयू इज कनेक्टेड विद द मॉनिटर. ओके तो यहां पर हमें बेसिकली मॉनिटर में, कंप्यूटर में जो है हमें इमेज नजर आ जाएगी. ओके अब यहां पर आप देखिए रास्टर स्कैन जनरेटर का क्या यूज होता है बेसिकली. ओके तो यहां पर आप देखिए जनरली क्या हो रहा है, इनिशियली जब भी हम इमेज लेते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो क्या होता है, हमें पूरे के पूरे मेटल की इमेज लेनी, हमें क्या करना है बेसिकली पूरी मेटल जो भी हमारा स्पेसीमैन यहाँ पर है, सपोज ये स्पेसीमैन है, तो अभी जो इस इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है वो केवल इस एरिया में आ रही है. ओके पर्टिकुलरली इस जोन पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, बट हमें पूरी मेटल की स्ट्रक्चर का पता करना है. तो अब ये इस बीम को क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. सो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये बीम जो है इस बीम को इनिशियली क्या किया जाएगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट किया जाएगा. ओके सो इस तरह से मूव किया जाएगा, इसको मैं अलग कलर के पेन से आपको बना के बताता हूँ. ओके सो इनिशियली जो हम फर्स्ट बना रहे थे उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आपके पास में अलग डिफ्लेक्टेड बीम बन गई, उसके बाद में ऐसे बीम बन जाएगी. ओके सो अगर मैं इसी स्पेसीमैन को यहाँ पर बनाऊँ तो आप देखिए क्या होगा, इनिशियली हम किस तरह से यहाँ पर इमेज ली जाएगी. तो इनिशियली इस डायरेक्शन से मूव किया जाएगा. ओके सबसे पहले बीम यहाँ है, फिर उसके बाद में इस पॉइंट पर है फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. सो अलग अलग पॉइंट पर ऐसे मूव करते हुए पूरी की पूरी जो भी आपका स्पेसीमैन है उसका पूरा का पूरा व्यू लिया जाएगा. जब फर्स्ट इमेज ली जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर आपको इमेज नजर आएगी और धीरे धीरे यह फर्स्ट इमेज का इमेज यहाँ पर नजर आएगा. देन जब सेकेंड एरिया पर आपने डिफ्लेक्शन किया तो यहाँ पर इमेज नजर आएगी और इस तरह से पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरी, जब हम पूरा इसको डिफ्लेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पूरी इमेज बन जाएगी. ओके तो इमेज जो जैसी भी इमेज बनेगी वो क्या होगा, सपोज करिए इस तरह से आपकी इमेज बनकर आती है. ओके तो यहाँ जो सरफेस होगा उसकी इमेज बन जाएगी. क्लियर? यहाँ पर आप देखिए क्या होता है बेसिकली, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिस एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मींस
सपोज करिए ये मेटल है, ओके, स्पेसीमैन इज अवर मेटल, स्पेसीमैन इज मेटल. सो द एरिया वेयर मेटल इज मोर एंड मोर डेंस, डेंस बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है जहाँ पर मेटल की, उस एरिया से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इमीट होंगे. ओके, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमीट होंगे, ओके, उस एरिया से इमीट ज़्यादा होंगे. एंड तो वो एरिया कैसा बनेगा, ब्राइट बनेगा, वो एरिया कैसा बनेगा, ब्राइट बनेगा. अब इसी तरह से आप कैलकुलेट करते जाइए, जो एरिया कम डेंस होगा वो थोड़ा सा ग्रे बनेगा, ओके, वो थोड़ा सा कैसा बनेगा, ग्रे. लेस डेंसिटी, डेंस लेस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम इमीट होंगे तो एरिया कैसा बनेगा, ग्रे बनेगा. और जहाँ पर डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो डेंसिटी है, ओके, तो वो एरिया कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा, ओके, दैट एरिया बिकम ब्लैक. क्लियर एवरीवन? सो इस तरह से इमेज जो है हमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आएगी. क्लियर? तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर दोनों समझ में आ गए होंगे. अब हम यहाँ पर इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो डिस्कस करें. हेलो एवरीवन, नाउ डिस्कसिंग द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांटेजेस. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, बेसिकली इट हैज़ अ वेरी हाई रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन एज वी ऑल नो, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो वर्क वेरी फास्ट, ओके, एंड वी आर एबल टू गेट टोपोग्राफिकल इमेजिंग एज वेल एज 3D इमेजिंग फ्रॉम सैम. एंड इट बेसिकली यूज SEI एंड BSE. बेसिकली SEI मीन्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजिंग एज वेल एज बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एज वेल एज EDS टेक्निक इन लेस देन 5 मिनट, ओके. एंड सैम विद EDS बेसिकली प्रोवाइड क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस, स्टैंडर्ड लेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज एक्सरे लाइन स्कैनिंग एंड मैपिंग, ओके. सो दीज आर इट्स एडवांटेजेस. नाउ जस्ट लुकिंग ऑन द सैम डिसएडवांटेजेस, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ओके. सो जस्ट लुक एट हियर, इट हैज़ अ वेरी बिग साइज, ओके, एंड देन इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट रिक्वायर ट्रेंड एंड स्किल स्टाफ, ओके, एंड सैम्पल प्रिपरेशन आई ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग इन सैम, एंड मेंटेनेंस इन्वॉल्व कीपिंग स्टडी वोल्टेज करंट एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स एज वेल एज सर्कुलेशन ऑफ कूल वाटर. सो दीज आर द वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विच रिक्वायर बाय द सैम, ओके. एंड बिग सेपरेट रूम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सैम बिकॉज वी रिक्वायर्ड वैक्यूम एज वेल एज, एंड दिस इज अ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट, ओके. एंड नॉन लिविंग सैम्पल कैन एनालाइज, ओके, यहाँ पर ओनली नॉन लिविंग सैम्पल ही एनालाइज किए जाएंगे, लिविंग सैम्पल एनालाइज नहीं किए जाएंगे यहाँ, एज वेल एज इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हाई वैक्यूम. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. समटाइम एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम, ओके. नाउ डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ सैम. सो वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ सैम, बेसिकली सॉलिड मटेरियल करेक्टराइजेशन कैन बी डन इन एनी इंडस्ट्री टाइप, कोई से भी इंडस्ट्री हो वहाँ सॉलिड मटेरियल का करेक्टराइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है. टोपोग्राफिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपोजिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको ईजी मैनर में ये हमको इन्फॉर्म कर देता है, हमको देता है, ओके. एंड सरफेस फ्रैक्चर्स हो अगर किसी में और सरफेस कंटामिनेशन हो किसी भी मेटल के अंदर तो उसका पता लगाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ सैम, ओके. एंड केमिकल्स की सेप्टियल वेरिएशंस को देखा जा सकता है एज वेल एज इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, ओके. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी हेल्पफुल है. सो यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स हो गए, लाइक बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी, मेटलर्जी, इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक एंड मेडिकल साइंसेज. सो सभी तरह के जो फील्ड हैं उन सभी में इसका काफ़ी बड़ा यूज़ है, ओके. एंड टेक्निकल एरिया लाइक सेमी कंडक्टर इंस्पेक्शन अगर करना हो एज वेल एज कंप्यूटर के अंदर माइक्रोचिप असेंबली करनी हो तो भी सैम का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है. सो देर इज़ अ ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ सैम. नाउ जस्ट लुकिंग ऑन द इट्स डाइग्राम, इनका डाइग्राम क्या है, तो ये देखिए इस तरह का बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है और यहाँ पर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया हमारे पास में और यहाँ इसे कंप्यूटर अटैच्ड है, ओके. क्लियर? सो यहाँ देखिए ये मैंने आपको रे डाइग्राम भी आपको बताया था, ओके. सो इलेक्ट्रॉन गन हो गई और इलेक्ट्रॉन बीम है, फिर हमारा एनोड हो गया, एंड देन मैग्नेटिक लेंसेज है, एंड देन दीज आर स्कैनिंग कॉइल्स हो गई, ओके. एंड देन बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हो गया,
एंड देन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हो गया, यहाँ हमारा स्पेसीमैन है, तो इसी से जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है. दिस इज ऑलरेडी वी डिस्कस. ओके, दीज आर द इमेजेस विच वी कैन फाइंड बाय द सैम. ओके, सो दीज आर द सर्फेस एनालिसिस इमेजेस. ओके, सो यू कैन गेट सच काइंड ऑफ इमेजेस बाय द हेल्प ऑफ सैम. नाउ डिस्कसिंग द एमसीक्यू क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट इन अवर लेक्चर सीरीज. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेक्ट ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, बी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर टू, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच टाइप ऑफ कैथोड यूज, ए थर्मियोनिक, बी जिरकोनियम ऑक्साइड, डी सी लेंथेनम हेक्सोबोराइड एंड डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर थ्री, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच पार्ट वी फाउंड, ए रास्टर स्कैन जनरेटर, बी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन एंड डी ऑल ऑफ दीज. टेक द डिसएडवांटेज ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ए वेरी कॉस्टली, बी रिक्वायर्ड स्किल्ड स्टाफ, सी सैंपल प्रिपरेशन इज अ टीडियस टास्क एंड डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ए इट इज यूज फॉर सरफेस एनालिसिस ऑफ मैटर, बी इट इज यूज फॉर सेमीकंडक्टर इंस्पेक्शन, सी यूज टू आइडेंटिफाई ड्रग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड डी ऑल ऑफ दीज. सो आई ऑलरेडी डिस्कस ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन इन माई लेक्चर. इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, देन गो थ्रू विद द लेक्चर एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स.